नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। जनवरी 2019 रविवार की दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा पुलिस की टीम ने रतनगंज में छापा मारकर 57 गैस सिलेंडर रिफिलिंग की मशीन, ऑटो समेत 2,30,000 रुपए का माल जब्त किया है। जब्त माल के साथ साथ दो आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गैस सिलेंडर के इस जखीरे के बारे में तहकीकात कर रही है। उमेश पुरनलाल गुप्ता 38 वर्षीय रतनगंज, दिलीप अर्जुन सिंह राजवंशी 35 वर्षीय द्वारका नगर रहवासी, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों ही आरोपी गैस लिफिलिंग करते थे और इन्हें गैस लिफिलिंग करते समय पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों से अवैध तरीके से भारत गैस कंपनी के भरे हुए 20 घरेलू गैस सिलेंडर व व्यवसायिक एक भरा हुआ सिलेंडर, HP कंपनी का भरा हुआ एक गैस सिलेंडर, ऐसे गैस से भरे हुए 22 सिलेंडर तथा घरेलू खाली 30 सिलेंडर, व्यवसायिक खाली 3 गैस सिलेंडर, HP कंपनी का खाली एक गैस सिलेंडर, इंडियन कंपनी का खाली एक गैस सिलेंडर, ऐसे कुल 27 गैस सिलेंडर, गैस लिफिलिंग, एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वजन तोल कांटा, ऑटो क्रमांक MH 38P 1426, ऐसे कुल 2,29,486 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए दोनों ही आरोपियों पर धारा 3(7) जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के तहत कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, पुलिस उपायुक्त प्रदीप चौहान के मार्गदर्शन में अपराध शाखा पुलिस विभाग के निरीक्षक कैलाश फुंडकर, पुलिस उपनिरीक्षक रामगीते, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अरुण कोडापे, विनोद गाड़ेकर, प्रकाश जगताप, अजय मिश्रा, विजय पेठे, जावेद अहमद, सुधीर गुड़दे, मोहम्मद सुल्तान, नीलेश पाटिल, चालक दत्ता, सुचित्रा आदि की टीम अपराधियों की खोज में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस समय उन्हें गुप्त सूचना मिली कि रतनगंज के एक घर में अवैध तरीके से गैस लिफिलिंग शुरू है। जानकारी के आधार पर 20 जनवरी रविवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे पुलिस की टीम ने रतनगंज में उमेश गुप्ता के घर पर छापा मारा। इस समय गुप्ता और दिलीप राजवंशी दोनों घरेलू गैस सिलेंडर से गैस लिफिलिंग करते हुए पाए गए। तब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए सिलेंडर और लिफिलिंग की सामग्री समेत ऑटो भी बरामद किया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अमरावती जिला में चली आ रही विकास परियोजना और लंबित पड़ी विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देने के लिए व उन विकास परियोजनाओं को संपूर्ण करने के लिए सर्वसाधारण तौर पर अमरावती जिला में विभागीय आयुक्त के कार्यालय में सन 2019 और 2020 के तहत अमरावती शहर के विकासशील नक्शे को अंतिम रूप देने के लिए अमरावती विभाग में 21 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व अमरावती जिला के सांसद आनंदराव अड़सुल की मौजूदगी में जिला के उपविभागीय कार्यालय में एक बैठक ली गई। इस बैठक में अमरावती जिला के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया व कई को हरी झंडी दिखाई गई। इसी बैठक के दौरान वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अमरावती शहर का जल्द ही कायापलट किया जाएगा और शहर में रुकी हुई विकास परियोजनाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वह जल्द ही शहर की विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए शासन की ओर से पर्याप्त निधि अमरावती विभाग को मुहैया करवाएगी। इसके साथ साथ सुधीर मुनगंटीवार ने आने वाले चुनावों को लेकर यह भी कहा कि शिवसेना से जल्द ही गठबंधन को लेकर अंतिम दौर की बातचीत पूरी कर ली जाएगी और गठबंधन का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अमरावती शहर के संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर से तेंदुआ देखे जाने से वहां के लोगों में आतंक मच चुका है। इस बार विश्वविद्यालय परिसर में स्थित छात्राओं के हॉस्टल क्रमांक 2 के रोड पर शुक्रवार की रात लगभग 8:15 पर तेंदुए के दर्शन हुए। खुद सुरक्षा गार्ड मोरेश्वर मुंजाले ने तेंदुआ देखा, जिससे खौफ बढ़ गया है। जनवरी के पहले सप्ताह में तालाब परिसर में तेंदुए ने एक गाय का शिकार किया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर ने तेंदुए से सुरक्षा को लेकर उपाय योजना की थी। फिर 15 दिनों बाद विश्वविद्यालय परिसर में तेंदुए के दर्शन हुए। 18 जनवरी की रात तेंदुआ देखने पर फॉरेस्ट की टीम ने तेंदुए के पंजों के निशान के आधार पर तेंदुए की खोज शुरू की, लेकिन तब तक तेंदुआ निकल भागा था। 19 जनवरी को सुबह विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड ने तेंदुए की हर जगह खोज की।
इस दौरान फॉरेस्ट की टीम ने तेंदुए के पंजों के निशान इकट्ठा करना शुरू कर दिए। पंजों के निशान मिलने से ही फॉरेस्ट ने भी विश्वविद्यालय परिसर में तेंदुआ होने की पुष्टि की है। छात्राओं के हॉस्टल से भोजनालय में भोजन करने आने जाने में छात्राओं को डर लग रहा है। एक नहीं बल्कि दो तेंदुए होने की खबर ने विद्यार्थियों के साथ ही विश्वविद्यालय अधिकारी कर्मियों को भी आतंकित कर रखा है। तत्काल तेंदुए का बंदोबस्त करने की मांग की जा रही है। हालांकि फॉरेस्ट की टीम इस परिसर में नाइट गश्त कर रही है, किंतु किसी भी अनहोनी को टालने स्थायी प्रबंध करने की मांग की जा रही है। तेंदुए को पकड़ने फॉरेस्ट से पत्र व्यवहार किया गया है। तेंदुआ होने की पुष्टि हो जाने से डर बढ़ गया है। सुरक्षा को लेकर सावधानी बरती जा रही है। विद्यार्थियों समेत नागरिकों को प्रतिबंध क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने का आह्वान किया गया है। आयकर विभाग की 25 टीमों द्वारा अमरावती शहर के उद्योगपति, बिल्डर व व्यापारियों के घर और कार्यालयों पर एक साथ जो छापे मारे गए थे, उसमें 2.5 करोड़ रुपए नकद और 2 किलो वजन के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। कुछ लोगों के लॉकर भी सील किए गए और बड़े पैमाने पर दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इन छापों से शहर के व्यापारियों में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। आयकर विभाग 2 वर्षों से अमरावती के व्यापारी, उद्योजक व बिल्डरों के आर्थिक लेन देन पर नजर रखे हुए था। उनके आर्थिक लेन देन का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद 16 जनवरी को आयकर विभाग ने अमरावती में छापेमारी शुरू की। आयकर विभाग के उप संचालक अभय नन्नावरे व सह संचालक SPG मुदलियार के नेतृत्व में मुंबई, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, चंद्रपुर व अमरावती के 25 दस्तों ने 30 वाहनों में पहुंचकर बिल्डर प्रवीण मालू, तल्लाबंधु पनपलिया बंधु, अशोक सोनी, कैलाश गिरुलकर, संजय बात्रा के घरों व कार्यालयों पर छापे मारे। आयकर अधिकारियों ने अपने आई कार्ड व वारंट दिखाकर संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की छानबीन की। उसके बाद बिल्डर, उद्योजक व व्यापारियों के बयान दर्ज किए। 2 दिनों तक चली इस कार्रवाई में आयकर अधिकारियों ने बिल्डर, व्यापारी व उद्योजकों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य जमा किए। उनके लैपटॉप, मोबाइल का बैकअप लेकर 30 हार्ड डिस्क जब्त की। छापे में बरामद की गई नकद राशि वाहनों से नागपुर ले जाना संभव नहीं होने के कारण आयकर अधिकारियों ने पुलिस की सुरक्षा में स्थानीय बैंक में जमा कर दी। उसके बाद बैंक के मार्फत DD तैयार कर नागपुर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाई गई। आयकर विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की 2 दिन तक चली इस छापेमारी में बिल्डर, व्यापारी व उद्योजकों के घर और कार्यालयों से इतने दस्तावेज बरामद किए गए कि उनको 3 वाहनों में लादना पड़ा। आयकर अधिकारियों ने बिल्डर, उद्योजक व व्यापारियों के 10 से 12 लॉकर सील किए हैं। इनमें से केवल 3 लॉकर खोले गए। उनमें आभूषण व महत्वपूर्ण कागजात पाए गए। अन्य लॉकर भी जल्द खोले जाएंगे। इसके बाद बेनामी संपत्ति का पता चल सकेगा। अमरावती शहर के श्री वल्लभ गैसेस जनता कॉलोनी, MIDC रोड, अमरावती में संकल्प सामाजिक बहुद्देशीय संस्था अमरावती, रोटरी क्लब अमरावती मिड टाउन, उसी तरह माहेश्वरी भुतड़ा बहुद्देशीय संस्था व संत गारोबा काका सामाजोन्नति बहुद्देशीय संस्था की ओर से शहीदों के सम्मान में और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के लिए एक भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोगों ने बढ़ चढ़ कर सहभाग लिया। इस शिविर का मकसद था कि हर कोई तो देश के लिए रणभूमि में जाकर अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकता, लेकिन उन रणवीरों के लिए हम कुछ न कुछ छोटा सा त्याग तो कर ही सकते हैं। बस इसी संकल्पना को लेकर भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था और आने वाली 26 जनवरी को देखते हुए देश के युवाओं के रक्तदान को देश की मिट्टी के लिए समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परिसर के युवाओं और सभी संस्थाओं के सदस्यों ने कड़ा सहभाग लिया। इसके साथ ही इस भव्य रक्तदान शिविर के जरिए शिवसेना के दिवंगत नेता संजय बंड को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। श्री विवेकानंद बहुद्देशीय संस्था अमरावती द्वारा संचालित साप्ताहिक विवेक क्रांति के 5वें वर्धमान दिन के अवसर पर इस दिन को यादगार बनाने के लिए
विवेक क्रांति के संपादकों की ओर से एक पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिस पुस्तिका का शीर्षक था स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए दीप स्तंभ। इस पुस्तिका का विमोचन समाज सेवक कमल सिंह चितोड़िया व VCN न्यूज के मुख्य संपादक उमेश जी लोटे व विवेक क्रांति के मुख्य संपादक नरेंद्र देशपांडे व सह संपादक राजेश्वर घोरमाड़े और मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर इस पुस्तिका के शीर्षक पर भी प्रकाश डाला गया और वहां उपस्थित लोगों को बताया गया कि आखिर आज के दौर में स्वामी विवेकानंद क्यों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और किस तरह से विवेकानंद के मार्ग पर चलकर युवा अपने लिए नई राह खोज सकते हैं। VCN न्यूज के मुख्य संपादक उमेश लोटे ने उपस्थित लोगों को बताया कि किस तरीके से आज के दौर में पत्रकारिता करने के लिए पत्रकारों को जागरूक रहना जरूरी है और मौजूदा विषयों की संपूर्ण जानकारी भी पत्रकारों को जरूरी है। अपन साप्ताहिक विवेक क्रांति या साप्ताहिकाचा नवे तर देशपांडे जी आणि गोरबाडे जी यांनी अखंड केलेल्या एका मेहनतीचं आज लोकार्पण करीत आहोत, त्यासाठी एकत्र आलेलो आहोत। मला एकच सांगायचं आहे, विवेकानंदांनी जे आचार आणि जे विचार रुजविले, ज्यावेळी ते आपल्या हिंदुस्थानचं आपल्या भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी परदेशात गेले होते, विदेशात गेले होते आणि त्यावेळी त्यांना एका सुंदर महिलेनं त्यांना म्हटलं होतं की स्वामीजी मला तुमच्यासारखा पुत्र हवा। त्यावेळी काय बघा कसा होता त्यावेळेचा, त्यावेळी त्यांनी त्यांना म्हटलं होतं, त्या महिलेला उत्तर दिलं होतं की हे माते मला तू आपला पुत्र मान। अगदी लहानपणापासून ही शिकवण ज्यांनी आपल्यामध्ये रुजवली, असे विवेकानंदांचे आचार आणि विचार आज ज्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही नवी पिढी भरकटू पाहत आहे, त्यांच्यासाठी खूप आवश्यक झालेले आहे आणि हेच विचार विवेकानंदांचे साप्ताहिक विवेक क्रांतीच्या रूपाने संपूर्ण अमरावतीमध्येच नव्हे तर विदर्भामध्येच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये रुजावे। आणि जसं विवेकानंदाचं आचार चारित्र्य आणि विचार स्वातंत्र्य होतं, त्याप्रमाणे आपलं सर्वांचं घडावं आणि साप्ताहिक विवेक क्रांती उत्तरोत्तर अशीच प्रगती करीत राहो, यासाठी आपले शुभेच्छापर दोन शब्द संपवितो। धन्यवाद। श्रद्धा फैमिली शॉपी में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपी में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपी एंड मॉल बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स नानगांव पेट अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड़िया, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43-48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अहो ऐकलत का? अगं काय झालं? अहो नळ गेलाय, पिण्याचं आणि वापरायचं एक थेंब पाणी नाही। अगं घाबरू नकोस, शिवनेरी बोरवेल आहे ना, हागे फोन नंबर 9422158578 आणि 9021318383। अगदी थोड्या वेळात आम्ही आपल्या दारात। शिवनेरी बोरवेल, राजापेठ चौक, गद्रे मोटर्स जवळ, बडनेरा रोड, अमरावती। अति योग्य भावात मोटर फिटिंग सहित उपलब्ध। शिवनेरी बोरवेल। VCN न्यूज चैनल के मुख्य संपादक उमेश जी लोटे व सह संपादक डॉक्टर कुशल लोटे और द पावर ऑफ मीडिया के संस्थापक सदस्य संदीप जी बाजड़, इन तीनों की ही टीम ने अमरावती शहर के BGMC तक्षशिला कॉलेज में पहुंचकर वहां के बच्चों को ट्रेनिंग और तजुर्बा पाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। VCN न्यूज के मुख्य संपादक उमेश जी लोटे ने तक्षशिला कॉलेज के कैंपस में पहुंचकर वहां के मास कम्युनिकेशन विद्यार्थियों से वार्तालाप किया और उनका इंटरव्यू लेते हुए उन्हें यह अवसर मुहैया कराने का वादा किया कि अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव पाना चाहते हैं तो आपके लिए VCN न्यूज के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अमरावतीच्या सौंदर्यवतीचे नामकरण। अमरावती शहरातील सर्वसामान्यांना आपल्या सौंदर्यामुळे आकर्षित करणारी अमरावतीमधील मालटिकळी या रचनाचे नामकरण करण्यात आले आहे। मालटिकळीची पूर्वीचे नावे मालटिकळी होते, तिचे नाव आता शिवटिकळी करण्यात आले आहे। अमरावती शहराच्या मध्यमार्गी असलेल्या या टेकडीवर दररोज शेकडो नागरिक निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी आणि आरोग्याच्या काळजीसाठी येथे येतात। नमस्कार, विदर्भाच्या सर्वात लोकप्रिय VCN नेटवर्क चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। मी महेश चव्हाण। नजर टाकूयात आजच्या काही दिवसभरातल्या ठळक घडामोडींवर। नमस्कार, मी कोमल इंगळे। VCN न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। पाहूया आपण राज्यभरातील काही विशेष घडामोडी। इस कार्य के पीछे VCN न्यूज के संपादक उमेश जी लोटी की यह संकल्पना है कि आने वाले दिनों में अमरावती शहर से अच्छे पत्रकार बनकर तैयार हों और फिर वह अमरावती शहर से बाहर निकलकर शहर के कॉलेजों और शहर का नाम रोशन करें। स्वर्गीय धीरज जयसवाल यानी VCN न्यूज चैनल पहले तो अमरावती मध्ये UCN आणि RCN होता। VCN न्यूज चैनल की निर्मिती स्वर्गीय धीरज जयसवाल यांनी 3 वर्षांपूर्वी अमरावतीमध्ये केली आणि GTPL सेटअप बॉक्स चॅनल नंबर 72 आणि UCN सेटअप बॉक्स चॅनल नंबर 81 हे चॅनल दिसतात। आज आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश एवढाच आहे की आपल्यामध्ये ज्या लोकांमध्ये पोटेन्शियल आहे ते आमच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। ज्यांना अँकर व्हायचं आहे, ज्यांना अँकर करायची इच्छा आहे त्यांनी अँकरसाठी आपली नावं द्यायची, ज्यांना लिहिता चांगलं येतं त्यांनी लिहिण्यासाठी आपली नावं द्यायची, ज्यांना स्टोरी रायटिंग करता येते, प्रत्येकाचं एक आपला पिंड असतो, प्रत्येकामध्ये काही ना काही सुप्त गुण हा निश्चितपणे असतो, तो सुप्त गुण आपण इथे बाहेर काढू शकता। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडियामध्ये एक महत्वाचा जो फरक आहे तो असा आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये हे नसतं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला तिथे P2C करावं लागतं, त्या ठिकाणी आपल्याला उपस्थित राहावं लागतं, त्या ठिकाणी आपला कॅमेरामन असतो, त्याच्यासोबत आपल्याला आपण अँकर करत असताना तिथे आपल्याला जावं लागतं आणि ते प्रत्यक्ष तिथून दाखवावं लागतं। तुमच्या कॉलेजमध्ये बऱ्यापैकी पोटेन्शियल आहे असं विलास प्रकारे सरांनी आम्हाला सांगितलं आणि म्हणून आम्ही तुमच्यापर्यंत येऊन पोहोचलो। तुम्हाला काय येतं तुमच्या डिग्रीला महत्व असते, पण ज्यावेळी तुम्ही मुंबई दिल्ली सारख्या ठिकाणी जाल त्यावेळेस तुम्हाला ते पटकन सांगतील की बस मशीनवरच आहे अँकर करायचं, पटकन कॅमेऱ्याच्या समोर घ्या आणि अँकर कर। आपल्याला वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करून जितकं जास्त प्रॅक्टिकल नॉलेज गोळा करता येईल तितकं तुम्ही याच्यामध्ये यशस्वी होणार आहे, म्हणून आज आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचतोय।
देवराजी बोथरा गुरुकुल एंड गुरुकुल विद्या मंदिर इंग्लिश स्कूल की ओर से अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया था। इस एनुअल फंक्शन में केजी वन केजी टू और नर्सरी के बच्चों ने अपने लोक लुभावन नृत्य से वहां मौजूद पाठकों का और दर्शकों का दिल जीत लिया। बच्चे तरह तरह के गानों पर अपनी ट्रेनिंग के अनुसार डांस कर रहे थे। बच्चों का लोक लुभावन डांस देखते ही बनता था। बच्चों ने मम्मी डैडी और दुनिया में हो रहे हालात पर गानों की धुन पर नृत्य पेश किया। जिस वक्त बच्चे नृत्य पेश कर रहे थे, ऐसा नज़ारा नजर आ रहा था मानो फलक से तारे जमीन पर गिर रहे हैं। बच्चे वैसे भी मन के सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे जब नृत्य और गाने के जरिए अपनी बात लोगों के सामने पेश करने लगे तो नज़ारा कुछ और ही होता है। आइए आप भी देखिए। तिरंगा उत्सव समिति के अंतर्गत कार्य करने वाली तिरंगा माझा ग्रुप की ओर से पिछले 3 वर्षों से अमरावती शहर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार पर युवकों व नागरिकों में अपनापन और देशभक्ति निर्माण करने के उद्देश्य से इस वर्ष भी 25 से 27 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। ऐसी जानकारी समिति के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी गई। प्रजासत्ता दिनानिमित्त अनेक सामाजिक कार्यक्रम म्हणून आणि नागरिकांच्या मनात आणखी देशाबद्दल आणखी प्रेम सुदृढ व्हावं त्याकरिता गेल्या 3 वर्षापासून वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करते। माजी सैनिक सतीजी भोंगे यांच्या संकल्पनेतून त्यांनी जे त्यांच्या सेवेमध्ये त्यांनी सेवा केली त्यांच्या देशसेवेमध्ये त्यांच्या प्रेमाने आपुलकीचे नात्याने हा एक संदर्भ उभा केला आहे। एक तिरंगा उत्सव समिती गठीत करून तिरंगा ग्रुप नावाने सर्व धर्मातील सर्व समाजातील युवकांना आणि सामाजिक नगर आहे त्यांनाही सोबत घेऊन हे एक उपक्रम करत असतात। इस अवसर पर तिरंगा माझा ग्रुप के अध्यक्ष व पूर्व सैनिक संदीप रोंघे जानकारी दे रहे थे। पत्रकार वार्ता में रोंगे के साथ नीलेश चौधरी, अजय श्रृंगारे, चंदू खेड़कर, गोपाल भेंडे, संजय जाधव, गगन पारेकर, महेश तराल, विजय खटके, साकिर हुसैन, रजाउल्ला खान, रुशील बगने आदि उपस्थित थे। जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि 25 जनवरी की सुबह 10 से 12 बजे तक इरविन चौक स्थित शहीद स्तंभ स्मारक की साफ सफाई, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक शेगांव राहटगांव रोड तालाव माता मंदिर में रंगोली स्पर्धा, शाम 6 बजे तिरंगा उत्सव का उद्घाटन व व्याख्यान, रात 7 से 10 बजे तक अंध विद्यालय की ओर से देशभक्ति पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 26 जनवरी को अर्जुन नगर के अमृत विश्व वसाहत के पास सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक शहीद परिवारों के हस्तों महिलाओं की उपस्थिति में ध्वज रोपण किया जाएगा। तिरंगा उत्सव का 25 जनवरी का पूर्व संध्या
तिरंगा उत्सवाचा आराम म्हणजे अंधांचा ऑर्केस्ट्रा ठेवलेला आहे. अंधांचा ऑर्केस्ट्रा जे का अंधांना पूर्वक मदत व्हावी म्हणून त्यांची कलाकृती करून त्यांचा ऑर्केस्ट्रा त्यांना पूर्ण मदत व्हावी. तसेच त्याच दिवशी आरंभ व्याख्यान मनोज भाऊ अंबाळकरांचे व्याख्यान ठेवलेले आहे देशभक्ती. तसेच 26 जानेवारीला सकाळी 8:30 वाजता शहीद परिवाराच्या हस्ते महिलांच्या उपस्थितीत झेंडा वंदन. वरूडचे 2007 मध्ये शहीद झालेले होते सुनील भाऊ चव्हाण यांच्या वीरपत्नी झेंडावंदनला येणार. प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहणार. शहीद परिवाराच्या हस्ते झेंडावंदन होईल महिलांच्या उपस्थितीत. हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.